अभी तक हम लोगों ने एक एक करके जो भी सीरीज का नेचर निकालने का जो फार्मूला था उसको हम लोगों ने डेराइव किया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किया। अब हमारा लास्ट आर्टिकल के रूप में हमको आज ये वर्क करना है, उसमें अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज रहे जिसके साइन जो है वो प्लस माइनस अल्टरनेट करके आ गए, तो ऐसे सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। जैसे आपका ये समेशन ए एन, यह एक सीरीज है, तो इसका पहला टर्म ए वन, दूसरा टर्म माइनस के साथ, तीसरा टर्म फिर प्लस के साथ, फिर चौथा टर्म फिर ये माइनस के साथ, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ऐसा हम लिख लें। तो अभी इस तरह की जो सीरीज होगी उसी सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज करेंगे। अब अल्टरनेटिंग जो सीरीज है उसका नेचर हम कैसे निकालेंगे कि ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑस्किलेटरी होगा, क्या होगा? तो इसके लिए एक लेवेनिज ने एक रूल दिया कि उस रूल को जो अल्टरनेटिंग सीरीज फॉलो करेगा उससे उसका नेचर डिसाइड किया जाएगा। तो जो वो लेवेनिज का थ्योरम है, वो लेवेनिज का थ्योरम महत्वपूर्ण थ्योरम है, उसका पहले हम लोग प्रूफ करेंगे और तब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी अल्टरनेटिंग सीरीज को समझे और इसके बाद लेवेनिज थ्योरम है क्या और उसका प्रूफ क्या होगा, इसके बाद उस वर्क को हम करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज का एक टेस्ट जो लेबनिज टेस्ट के नाम से जाना जाता है उसका जो स्टेटमेंट है उसको हमने लिखा है, इसको एक बार समझ लें कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट हम लेबनिज से नहीं कर सकते, उसका कुछ कंडीशन है, यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी उसका टेस्ट लेबनिज से हम कर सकेंगे। तो वो है क्या कि द अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है कि उसके जो टर्म होंगे वो प्लस माइनस करके अल्टरनेट इनफाइनाइट तक आते रहेंगे। तो यदि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज रहे और यदि वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब वो कन्वर्जेंट होगा। वो सिर्फ कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा लेबनिज उसी को डिसाइड कर पाता है, और उसके लिए भी उसके जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी क्या है कि ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज हो लेकिन उस सीरीज के जो भी टर्म हैं वो अपने से पहले वाले टर्म से लेस हो। जैसे मान लो आपका एक सीरीज दिया जाए वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो वन आगे इनफाइनाइट तक, तब इसमें आपका अल्टरनेटिंग सीरीज है प्लस माइनस करके आया हुआ है, और इसका ये नेचर है कि जो भी सीरीज के टर्म हैं वो अपने से पहले वाले से लेस है, यानी वन बाई टू वन से लेस है, और ये न्यूमेरिकली कहा जा रहा है। न्यूमेरिकली से मतलब उसके साइन को केयर नहीं करना है। अब जैसे देखो ये हमारा वन, ये वन बाई टू वन से लेस है, वन बाई थ्री ये वन बाई टू से तो लेस होगा, लेकिन यदि इसको माइनस कंसीडर करोगे तब ये निगेटिव इस पॉजिटिव से लेस आ जाएगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकली कहा जा रहा है कि साइन को कंसीडर नहीं करना है, न्यूमेरिकली प्रत्येक टर्म अपने से पहले वाले से छोटा हो। तो यह वन बाई टू वन से छोटा है, न्यूमेरिकली वन बाई थ्री वन बाई टू से छोटा है, वन बाई फोर वन बाई थ्री से छोटा है। तो इस तरह का यदि सीरीज रहे तो उसका पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि यदि इसके एन टर्म का हम इसका एन टर्म लें और उसका एन टेंस टू इनफाइनाइट पर हमारा जो लिमिट हो वो जीरो हो जाए, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी सीरीज हो जो सीरीज दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पहला तो अल्टरनेटिंग रहे ही उसी के लिए किया ही जा रहा है, लेकिन जो कंडीशन है कि न्यूमेरिकली प्रत्येक टर्म अपने पहले से लेस हो, और दूसरा कि उसका nth टर्म लो और उसको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो तो वह जीरो आ जाए।
जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ये सीरीज दी गई है उस सीरीज अल्टरनेटिंग है, इसलिए जो हम nth टर्म ले रहे हैं तो nth को इवन में लें, n टर्म को इवन में। इससे हमको क्या मिलेगा कि जितने हमको हाफ करना होगा तो हाफ टर्म प्लस के साथ और हाफ टर्म माइनस के साथ ऐसा हम लोग कर सकेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये जो सीरीज है वो सीरीज जो डिफिनीशन दी गई थी कन्वर्जेंट का, वो दिया गया कि इसके n टर्म का सम करें और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर उसका जो लिमिट आवे वो फाइनाइट और यूनिक हो, तब हमारा जो सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट होता है। जो पहला फर्स्ट डिफिनीशन हम लोगों ने दिया था कन्वर्जेंट का, तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो अल्टरनेटिंग सीरीज में यदि उस सीरीज का हम nth टर्म लें और n टर्म का सम करें और उस सम का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लें, यदि वो फाइनाइट और यूनिक हो जाए तब जो हमारा सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन जो हम यन लेते रहे हैं उसको हम टू यन ले रहे हैं, यानी एन को इवन ले रहे हैं, तो यन को इवन ले रहे हैं तो इसी को हम टू यन कह दे रहे हैं, जिससे एन हमारा जो टू के साथ रहेगा प्रोडक्ट में तो सदैव इवन ही आएगा। अब इवन क्यों ले रहे हैं, अभी एक स्टेप हम लोग करेंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका प्रूफ ऐसा हम लेने जा रहे हैं, तब इसके जो सीरीज है समेशन ए एन, ये वैल्यू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर से लेकर के ये हमारा आगे इनफाइनाइट तक ये सीरीज दिया गया है। अब हम जो n टर्म लेते हैं यानी n टर्म का सम, तो n हमारा कोई एक डिफिनिट वैल्यू नहीं है, nth को हम यानी जितने n की वैल्यू हम 2 ले 3 ले 4 ले कोई भी ले सकते हैं। तो हमने n को इवन लिया, n को इवन क्यों ले रहे हैं, इससे हम पहले ये दिखाएंगे कि n टर्म का सम यानी हमको जो इसमें रिजल्ट दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट हो, तो जो रिजल्ट हमको डिफिनीशन की है कन्वर्जेंट का उसी का यूज करना है कि n टर्म का उसमें क्या करते थे कि n टर्म का सम करते थे और उस सम को तब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेते थे। तो पहले तो ये दिखाएंगे कि जो n टर्म का सम हम करेंगे वो सम हमारा फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि यदि सम ही फाइनाइट हो जाए तो फिर उसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे करेंगे तो हमारा तो फाइनाइट हो गया, तो फाइनाइट पर कन्वर्जेंट नहीं आता है। n टर्म का सम करें और उस सम हमारा फाइनाइट वैल्यू आवे और तब उसका हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लें, तो वो लिमिट जो हमारा हो वो फाइनाइट और यूनिक हो। तो हम क्या करते हैं इसमें n को इवन लेते हैं। तो n को इवन लेने के पीछे जो पर्पज है वो अभी जो दो वर्क हम लोग करेंगे उससे हमको पता चलेगा कि इवन ही क्यों लिया जाता है। तब हमने इसमें n को 2n यानी इवन ले लिया और तब sn यानी लेट s 2n डिनोट्स द सम ऑफ 2n टर्म्स। एस टू यन इसको हमने डिनोट किया, ये इवन ले लिया गया है। इवन को अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद का स्टेप तो क्लियर हो जाएगा कि इवन क्यों लिया जाता है। तो हमारा 2n टर्म्स का सम को हम एस टू यन ऐसा हमने डिनोट किया। तब जो एस टू यन इसके जो टर्म आएंगे उसमें देखो क्या हमको मिलेगा, तो यह एस टू एन इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर से लेकर के यह टू एन माइनस वन और टू एन ए टू एन, ए टू एन ए में है, ए में यह ए
2n-1 और माइनस यहाँ हमारा प्लस आएगा और यह a2n एक टर्म आएगा। अब जरा इसको देखें, अब हमने केवल 2n टर्म लिया है, तो 2n टर्म ले रहे हैं तो देखो पहला हमारा पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, यानी जो इवन पर आ रहा है वो निगेटिव के साथ आ रहा है, a1 a2 आया निगेटिव के साथ, फिर a3 a4 आया निगेटिव के साथ, इसीलिए हम इवन लेते हैं जिससे हम डिसाइड कर सके कि हमारा किसका साइन प्लस होगा और किसका माइनस। तो यह 2n है तो ये इवन ही होगा और उससे एक लेस तो हमारा यह ऑड हो गया, तो ऑड वाला प्लस आएगा और इवन वाला माइनस आएगा, इसीलिए इसको इवन के टर्म में हम लेते हैं। तो अब जो वर्क हम यन के लिए करते रहे हैं अब वो सारे वर्क हम 2n के लिए करेंगे, यानी s2n यानी 2n टर्म्स का हमने सम किया। अब हम ये दिखाएंगे कि s2n ये हमारा फाइनाइट यानी 2n टर्म का जो सम होगा वो फाइनाइट होगा, तो यह कैसे हम दिखाएंगे, तो पहला वर्क देखो यह a1 और -a2 इन दोनों को एक साथ ले लो और प्लस यह a3 और -a4 एक साथ ले लो, एंड सो ऑन, ये लास्ट वाले हमारा यह a2n -1 और -a2n इसको एक साथ ले लिया। तो देखो ये दो दो का हमने पेयर ले लिया, इसकी जरूरत थी इसीलिए 2n को हमने इवन लिया है, अदरवाइज वर्क जो भी हमको करना है जो n का के लिए करते हैं वही अब हम 2n के लिए करेंगे। तो अब आपका क्या हो गया कि जब यह हम दो दो का पेयर ले रहे हैं तो जब यह इवन रहेगा तभी हमारा दो दो का लेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, यदि यह इवन में नहीं रहता ऑड में रहता तो एक हमारा बच जाता, इसलिए ऐसा। अब देखो a1 माइनस a2 इसको एक साथ ले लिया, फिर a3 माइनस a4 एक साथ लिया और फिर लास्ट के दो टर्म एक साथ ले लिया। अब एक क्वेश्चन में दिया गया कि प्रत्येक टर्म न्यूमेरिकली अपने से पहले से छोटा है, तो यानी यह a2 a1 से छोटा है, तो जब a1 बड़ा है और a2 छोटा है तो इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ भी a3 से a4 छोटा है तो ये पॉजिटिव है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये वैल्यू इससे छोटा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखो यह भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और जब सभी पॉजिटिव का सम करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी जो एन टर्म का सम आया पहले हमने देखा कि वह जीरो से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ये पहला वर्ग। तो अब यहाँ से हम ये लिखेंगे कि सिंस a1 इज ग्रेटर देन a2 दिस इंप्लाई a1 माइनस a2 ग्रेटर देन जीरो, सिमिलरली a3 इज ग्रेटर देन a4 दिस इंप्लाई a3 माइनस a4 इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमारा पॉजिटिव हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सबको कर सकते हैं, तो विच सोज दैट s2n इज पॉजिटिव। देखो एक कैसे s2n को हमने पॉजिटिव कह दिया, तो इसलिए कहा कि यह a1 से a2 लेस है या a1 ग्रेटर है तो ये हमको पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, जो भी ब्रैकेट में वो सब पॉजिटिव, और इनके पहले प्लस है, प्लस माइनस नहीं रहा, माइनस वाले को हमने इसके साथ ले लिया है, तो अब सब तो पॉजिटिव, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और पॉजिटिव का सम करेंगे तो पॉजिटिव ही आए, यानी हमने पहले ये दिखा दिया कि 2n टर्म्स हमने लिया और 2n क्यों लिए। अब आपको ये दिख रहा है कि ये इवन में नहीं होता तो जो दो दो का पेयर बनाते वो हम पेयर नहीं बना सकते थे, और ये हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये लास्ट वाला जो टर्म है वो हमारा प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ आएगा।
और जब इवेन आ गया तो सब हम देख रहे हैं कि इवेन में निगेटिव है और टू यन इवेन ही होगा तो इसलिए इसका माइनस ही आएगा। तो इवेन में लेने का यन जो लेते थे इवेन में लेने का एक तो हमारा रीजन यही है। तो ऐसा हम लोगों ने ले लिया और तब दिखा दिया कि जो एन टर्म का सम दिखाते थे वो हमने टू यन टर्म का सम दिखाया पहला कि वो पॉजिटिव हुआ। अब दूसरा हमें दिखाएंगे कि टू ईयर टर्म का जो सम होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि एन टर्म्स का सम जो हम लेते हैं वो आपको कोई एन के टर्म में फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए और तब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब वैल्यू लेते हैं तब वो वैल्यू हमारा फाइनाइट एडिटी करना चाहिए। तब हमें दिखाने जा रहे हैं कि टू एन टर्म्स को अभी पॉजिटिव आया है सिर्फ ये दिखाए हैं लेकिन हम ये दिखाएंगे कि ये फाइनाइट वैल्यू आएगा। अब वो फाइनाइट कैसे आएगा तो अब इसी से वो अगला स्टेप भी हम देखेंगे। यही देखो जैसे यह एस टू एन ये जो टर्म है अब आप क्या कर लो पहले टर्म को छोड़ दो पहले टर्म को छोड़ दिया और लास्ट वाले टर्म को छोड़ दो और तब सब में निगेटिव को काम ले लो यानी हमने ए वन हम ये दिखाने जा रहे हैं कि टू ईयर टर्म का जो सम होगा पॉजिटिव तो हुआ लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगा फाइनाइट होगा। तो अब फाइनाइट दिखाने के लिए हमें आगे वर्क करने जा रहे हैं। अब आप क्या कर लो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ दो और बाकी जितना बचा है उसमें माइनस कामन ले लो। तो माइनस यहाँ कामन ले लिया तब देखो यह ए टू हुआ अब यह ए थ्री माइनस फिर यह ए फोर प्लस फिर इसके आगे आता है ये फाइव माइनस एंड सो ऑन यह माइनस में आएगा ए टू ए माइनस वन और माइनस तो ये लास्ट वाला है ही है ए टू ए इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसको दो दो को एक एक साथ लेते जाओ फिर ये हमारा इवेन ही होगा क्योंकि टोटल टर्म इवेन है एक टर्म फर्स्ट और एक टर्म लास्ट ये हमारा छूटा हुआ है तो और सब हमारा इवेन ही होगा। लेकिन अब आप देखो कि ये वैल्यू हमारा माइनस है और इसमें भी माइनस है तो अब टोटल में यदि माइनस को कॉमन लें ए वन माइनस तब आपका यह ए टू और माइनस ए थ्री ऐसा हमने कर लिया ये वैल्यू और प्लस ए फोर माइनस ए फाइव ऐसा कर लिया और फिर यहाँ से लास्ट में यह इसके पहले का जो टर्म देखो ये आड है और आड के पहले यह ए टू एन माइनस टू आता ए टू एन माइनस टू माइनस ए टू एन माइनस वन ये वैल्यू एक प्लस में और फिर यह प्लस ए टू एन इस तरह से आए। अब इसी एडजस्टमेंट से हमको मिलेगा क्या है तो आगे के स्टेप में आएगा लेकिन देखो किया किया गया है हमने पहले वाले को पॉजिटिव दिखाना हुआ तो उसको हम लोग दिखा लिए। अब दूसरा हमने क्या किया कि जो टू एन टर्म का सम जो यस टू एन से डिनोट किया गया है इसमें पहले को और लास्ट को ये हमने छोड़ दिया है। ये जो वर्क किए हैं अब जैसे यहाँ देखो ए टू जो इवेन में है वो निगेटिव है अब हम जो इवेन है अब पहले को छोड़ दिया और लास्ट को तो यह इवेन निगेटिव है तो अब ये वैल्यू आपका ग्रेटर है और यह लेस है ये वैल्यू आपका यहाँ से ये ग्रेटर है और ये लेस है। तो यदि माइनस को कॉमन नहीं लेंगे तो निगेटिव वाला वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव वाला लेस आ जाएगा लेकिन हमको पॉजिटिव लाना है पॉजिटिव मिले तो इसके लिए क्या किया गया कि माइनस को हमने कॉमन लिया है तब देखो इसमें माइनस कॉमन लिया तब जो तुम्हारा माइनस था वो प्लस में हो गया तो अब ए टू और माइनस ए थ्री इसको एक साथ लिया और फिर यह ए टू तुम्हारा ग्रेटर है और ए थ्री लेस है ये वैल्यू लेस हुआ ए फोर ग्रेटर है और ए फाइव प्लस है ये वैल्यू हमारा ए टू यन माइनस टू इससे पहले का टर्म है तो ये ग्रेटर है यानी ग्रेटर वाले को हमने पॉजिटिव बना दिया और उसके बाद जो टर्म आएगा उसको निगेटिव ये लेस रहेगा तो ये डिफरेंस हमको पॉजिटिव आएगा। तो अब देखो ये भी वैल्यू पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और इसमें भी माइनस था तो माइनस बाहर ले लिया तो हमारा ये भी पॉजिटिव आ गया।
अब कोई न्यूमेरिकली वर्क जब तुम करना, तो जैसे हमारा एक सीरीज दी गई है यह वन, और फिर ये माइनस वन बाई टू, प्लस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई फोर, एंड सो ऑन, एक कुछ इवन नंबर में इसको ले लेना। और जब लोगे तो इसमें यह वन माइनस बाद की जो वैल्यू है, यानी यह वन बाई टू और माइनस वन बाई थ्री एक साथ ले लो, एक साथ, और फिर यह प्लस वन बाई फोर और माइनस वन बाई फाइव एंड सो ऑन, इसको जब लोगे तो ये वन बाई टू से वन बाई थ्री सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वन बाई सिक्स और छोटी वैल्यू देगा, और ये वन बाई फोर से वन बाई फाइव ये वन बाई ट्वेंटी से लेस आएगा। इन सबका जब सम करेंगे तो वो सम आप देखिएगा यह ए वन से लेस आता है, ये जो वैल्यू, ये जो पहला टर्म है उससे लेस आता है, तब ये जो वैल्यू हम लोग उसको न्यूमेरिकली आप करके देख सकते हैं, उसी का यूज, इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ हमने किया है। देखो यह ए टू से ए थ्री सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो जब सब्ट्रैक्ट हुआ है तब ये वैल्यू हमको ए टू से लेस देगा, और ऐसे ये फोर से लेस आएगा। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सबका सम कर लेंगे तो ये जो सम आता है इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये टोटल वैल्यू इससे लेस आएगा। यानी यहाँ से यह वैल्यू जो आता है वो पहला टर्म जो हमारा पॉजिटिव है, इन सबका सम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सबका सम करते हैं, लेकिन ए वन से यह लेस आता है, बेकरी आप देख सकते हैं। तो ए वन से जब लेस आएगा तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वह ए वन से लेस आएगा, और ए वन हमारा जो ये टर्म शुरू हो रहा है तो उसका पहला टर्म है वो फाइनाइट है। तो हम यहाँ दो चीज अभी दिखाए हैं दो स्टेप में। पहले वाले वर्क में हमने ये किया कि टू यद टर्म का सम करोगे तो वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और दूसरा हमने दिखाया कि टू यद टर्म का जो सम है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। अब हमें दिखाएंगे कि टू यद टर्म का सम यदि टू यद इनफाइनाइट को टेंड करे तब हमको इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आ जाए, यदि ऐसा दिखा दिए तो फिर हमारा ये जो सीरीज हो जाएगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो क्योंकि कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी हमारा सीरीज दिया जाए और उसका एन टर्म का सम करें और जो सम आवे उसमें इनको इनफाइनाइट लें वो फाइनाइट और यूनिक आ जाए तो जो सीरीज होता है वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है, उसी का यूज हम कर रहे हैं। तो एन की जगह टू एन क्यों लिया, ये बात आपको समझ में आ गई कि इवन में जब है तब हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, और सारा वर्क जो एन के लिए करते थे वो टू एन के लिए कर रहे हैं। तब हमने देखा कि टू एन टर्म का जो सम हुआ वो सम हमारा जीरो से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है, और जो फर्स्ट टर्म है ए वन उससे लेस है। तो ए वन आपका यह कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए हमारा टू एन का जो सम आया टू एन टर्म का वो हमारा फाइनाइट हुआ, पहला हमने दिखाया। अब इसका एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट हम लेके दिखाएंगे कि वो हमारा यूनिक हो। आप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज सीरीज इज फाइनाइट, क्योंकि टू एन टर्म का सम हमने फर्स्ट टर्म जो ए वन है उससे लेस पाया है, इसलिए टू एन टर्म का जो सम हुआ वो हमारा फाइनाइट हो गया। अब हमको ये करना है कि टू एन टर्म्स को जब एन टेंस टू इनफाइनाइट ले तो हमको वो वैल्यू फाइनाइट और यूनिक दे। तो इस वर्क के लिए हम करेंगे क्या, जैसे देखो एस एन प्लस वन, यानी जो टर्म हमने टू एन लिया है उसके एक और टर्म ले लो, तो इसकी वैल्यू आपको एस टू एन प्लस ए टू एन प्लस वन इसको लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दो क्या कहा गया, तो ये टू एन प्लस वन टर्म का सम है, यानी ये जो सम है वह ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर से यह माइनस टू एन ए टू एन ए
2n इवन वाला निगेटिव है, इसीलिए इसको इवन में लिया गया है, तो यह माइनस। अब यह प्लस ए टू एन प्लस वन, इस चीज को समझे जरा। केवल यह दो टर्म लेंगे तो इसको यश टू से डिनोट करेंगे, यानी दो टर्म का सम। तीन लेंगे तो यश थ्री होगा, ऐसे जब टू एन टर्म का हमने लिया तो टू एन टर्म का सम ही हमारा यश टू एन होगा। अब इससे एक आगे और टू एन प्लस वन टर्म हो गया, तो अब इस टोटल का जो सम हुआ उसको हम डिनोट करेंगे यश टू एन प्लस वन से। तो यह एस टू एन प्लस वन की केवल टू एन टर्म ही नहीं, एक इसके आगे एक और टर्म यानी टू एन प्लस वन टर्म का सम ऐसा होगा। तो इस टू एन टर्म का सम को आप लिख सकते हो कि देखो ए वन से यह ए टू एन तक केवल इतने को आप लिख सकते हो एस टू एन, यानी यहां से यहां तक का जो टर्म है वो केवल टू एन टर्म का ही सम है। इसमें एक टर्म यह भी है, इसको जब ऐड किया गया तो यहां से यहां तक ये टोटल हमारा यश टू एन प्लस वन हो गया, यानी टू एन प्लस वन टर्म का सम, टू एन का टर्म का सम और प्लस उसके आगे का टू एन प्लस वन वा टर्म, ये जब हम सम करेंगे तो हमको यश टू एन प्लस वन आ जाएगा। तो वही यह लिखा गया है। अब इसका एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, तो यह लिमिट लिया एन टेंस टू इनफाइनाइट एस टू एन प्लस वन, और यह लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस टू एन, और प्लस यह लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यह ए टू एन प्लस वन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, जो आपका यह दिया गया है अल्टरनेटिंग सीरीज वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन में क्या कि आपका जो प्रत्येक टर्म है वो न्यूमेरिकली अपने पहले वाले से लेस है, और दूसरा दिया गया कि इसका nth टर्म लो और वो इनफाइनाइट को टेंड करे तो वो जीरो देगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कन्वर्जेंट होगा, ये हमको दिखाना है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये देखो, ये तो 2n प्लस 1 टर्म का सम है, ये हमारा 2n टर्म का सम है, लेकिन ये आपका 2n टर्म का सम नहीं है 2n प्लस 1 का, ये केवल 2n प्लस 1 वा टर्म है। तो यह 2n प्लस 1 वा टर्म आपका ये 2n प्लस 1 है। तो जब यह an n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो यह जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये आपका n जब यह इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो इनफाइनाइट से मतलब यह है कि वो वैल्यू हमारा बहुत बड़ा होता जाए। तो जब यह नहीं इनफाइनाइट को टेंड करने पर जीरो दिया तो यह 2n तो और लेकिन इनफाइनाइट से ग्रेटर कुछ होगा नहीं, तो ये वैल्यू हमारा 2n प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये जीरो देगा। तो ये वैल्यू जीरो आ गया, तब हमको ये मिला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस टू एन प्लस वन और इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस टू एन। अब यह वैल्यू जीरो, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए टू एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा। तो अब देखो ए एन है तो यह एन आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जैसे यह एन यदि आपका 10 है तो वो हमारा एन की जगह 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये हम एन टेंड्स टू इनफाइनाइट को यहाँ एन लिए हैं तो वो 2n प्लस 1 वा टर्म को भी हम एन की जगह पर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारा जो यह an है वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू हमको जीरो टेंड करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, तो ये वैल्यू आ गया। अब इस चीज को आप देखो, ये जो वैल्यू आया है ये क्या कहा जा रहा है कि जब यश टू एन प्लस वन यानी n प्लस वन टर्म का सम करो और उसको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लो, और जब यह 2n टर्म का सम करो
यानी इससे एक अधिक टर्म का सम है और यह 2n टर्म का सम है, लेकिन दोनों का सम क्या आया है, इक्वल आया। ये इक्वल आया, ये आपका क्या शो कर रहा है कि जैसे कोई एक वैल्यू है या कोई एक वैल्यू, ये आपका 1 है, 1 बाई 2 है, 1 बाई 3 है, या कोई 1 बाई 4 है, इस तरह से वैल्यू आप लेते जाओ और जब यह इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये जो आपका जो भी टर्म है वो क्रमशः छोटा होता जा रहा है, ये वैल्यू आपको जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो यदि कोई एक वैल्यू हम ऐसा लें कि जिसको हम बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं तो लास्ट जब जिस पे कन्वर्ज करता है, यानी ये वैल्यू 1 से ये छोटा हुआ, ये उससे भी छोटा हुआ, ये उससे भी छोटा हुआ। अब देखो ये 1 और 1 बाई 2 जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, फिर इससे वैल्यू आपको मिल जाएगा। 1 बाई 2 और 1 इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपका हाफ है, लेकिन इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो आपका 1/6 आ गया। ये करोगे तो 1/12 आ गया। तो यदि कोई ऐसा सीरीज है जिसमें वैल्यू आपका दोनों के बीच का ये डिफरेंस कम होता जाए, तो जब ये इनफाइनाइट को जाए और इसके बीच का डिफरेंस यदि जीरो आ जाए, तो इसका मतलब उसी पर जिस पर ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू दे दिया तो उसी पर ये कन्वर्ज करेगा। यानी अब ये क्रमशः कम होते होते ये जब जीरो पे आएगा तब इसका जो डिफरेंस होगा, कोई दो टर्म लास्ट का जो वैल्यू आएगा, यानी जब ये वैल्यू को हम क्रमशः बढ़ाते जाएंगे तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा, और जब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो उसी पर ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ आपका क्या आया है कि यहाँ देख रहे हो कि जो टर्म है 2n+1 टर्म का सम और 2n टर्म का सम, इन दोनों की वैल्यू एक ही आ रहा है, यानी ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका जो सम आ रहा है वो हमारा यूनिक आ रहा है। तो जब हम 2n टर्म लिए और उसका जो सम है n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यूनिक आ जाए, तो जब यूनिक आ जाएगा तो हमको ये जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ये यूनिक शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है कि अब देखो कि 2n+1 टर्म हमने लिया और वह यन इनफाइनाइट को टेंड किया, तो जो वैल्यू दिया ये 2n यानी इससे एक कम है वो भी जब यन को इनफाइनाइट कर रहा है, तो जो वैल्यू एन को इनफाइनाइट करने पर ये आया वही उसके आगे वाला भी आ रहा है। इसका मतलब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये दोनों वैल्यू सेम दे रहा है। तो जो हमारा 2n टर्म का सम लिया और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका जो लिमिट आया वो हमारा यूनिक आ गया। ये दोनों एन 2n टर्म 2n+1 टर्म और 2n टर्म, ये 2n+1 टर्म का सम है और ये 2n, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल कब आ रहा है, जब इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट ले रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप देखो, जैसे हमने यह एन हमने लिया 1 से n टर्म का सम, तो यह n+1 इनफाइनाइट दे देगा, इसको हम नहीं ले सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ले लो, ये हमारा 1 आया, 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर आया, 1/2 का क्यूब आया, इस तरह आपका एक सीरीज आपका दिया गया है। तो इसका nth टर्म लोगे, ये 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का क्यूब है, तो इसका nth टर्म का जब हम सम लेंगे तो n आर्टिकल पीछे किया गया है, तो ये nth टर्म का जब इसका हम सम लेंगे तो वो जो सम आया या sn वो आपको क्या दे देगा, sn क्या दिया, तो sn आपको देगा a 1 और 1 माइनस r टू द पावर n, तो यह 1 बाई
टू टू दी पावर एन अपान वन माइनस हाफ एन टर्म का। अब जरा एन प्लस वन टर्म का सम लो, तो एन प्लस वन टर्म का सम लेंगे तब यह वन और यह वन माइनस टू टू दी पावर एन प्लस वन और अपान वन माइनस हाफ ये आएगा। अब इसका तुम क्या करो कि लिमिट लो एन टेंस टू इनफाइनाइट पर, और इसका भी लिमिट लो एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो अब देखो कि जब एन टेंस टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू लेंगे तो वन बाई टू वन से लेस है, तो वन से जब लेस होगा तो ये जितनी भी वैल्यू हमारा वन बाई टू का पावर जितना बड़ा, जैसे हमारा वन बाई टू है और इसका पावर वन लो तो वन बाई टू आया, लेकिन इसका टू लो तो वन बाई फोर वो कम हो गया, थ्री लो वन बाई एट कम हो गया। तो जब ये जितना ही पावर हम बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू उतना ही छोटा होता जाएगा। तो जब यह एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा तब ये वैल्यू हमको जीरो दे देगा। अब ये वैल्यू आपका वन बाई टू टू द पावर एन प्लस वन है, ये भी जब हमारा इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये भी वैल्यू जीरो देगा। तो आपने देखा कि यह भी जीरो और यह भी जीरो, तो दोनों की वैल्यू आपका सेम, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। तो यानी एन टर्म का सम जो लिया वो हमारा डिफरेंट है, लेकिन जब एन टेंस टू इनफाइनाइट पर लिया तब दोनों की वैल्यू सेम आया। और वो हमारा क्या आ रहा है, वो वैल्यू ये वन आया और यहाँ से ये वन माइनस हाफ, तो ये वैल्यू आपको टू, ये जीरो हो गया और हाफ तो टू। अब इसको करोगे तो ये भी वैल्यू हमारा क्या आया, टू। तो अब आप यहां से देख रहे हो कि एन टर्म का सम किया गया और उसका एन टेंस टू इनफाइनाइट पर जो वैल्यू लिया वो, और एन प्लस वन टर्म का सम किया उसका एन टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू जब यूनिक आ जाए तो ये जो सीरीज होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। तो वही चीज हमने यहाँ दिखाया है। तो ये जो दिखाया गया उसमें सिर्फ एक बात को दिखाया गया कि 2n प्लस 1 को n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लिया तो जो आया वही 2n टर्म का सम लेने पर भी वही आ रहा है, और जब दोनों का यूनिक आया इसका मतलब हमारा जो सीरीज होगा वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि विच सोज that the sum of 2n terms is finite and unique. Finite and unique. Hence series is convergent. Hence सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज आया वो कन्वर्जेंट हो गया। देखो टोटल जो थ्योरम किया गया उसको हमने किया क्या है, तो पहला वर्क ये किया कि 2n टर्म लिया उसका सम किया, और सम करने पर पहला चीज दिखाया कि वो 2n टर्म का सम पॉजिटिव आया। दूसरा हमने क्या किया कि उस 2n टर्म का सम किया तो देखा गया कि जो फर्स्ट टर्म है जिसको a1 से डिनोट किया गया उससे लेस आ गया, यानी 2n टर्म का जो सम है वो हमारा फाइनाइट आया, ये पहली बात हमने दिखाया। दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि 2n टर्म का सम करें तो वही आ रहा है, और 2n प्लस 1 टर्म का सम करें तो हम इनफाइनाइट पर लिमिट लें तो वही आ रहा है। तो ये तभी होगा जब यह भी सम और यह भी सम एक ही वैल्यू पर कन्वर्ज करे, यानी इसका जो सम है वो इनफाइनाइट पर यूनिक आवे। तो वह जब यूनिक आ गया और फाइनाइट इसका सम है तो यही हमारा कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो उसके लिए कंडीशन होता है। तो हमने इसका प्रूफ देखा कि यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब जो सीरीज होगा वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब इसके आगे जब न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको करना होगा तो उसके लिए देखो क्या करोगे कि कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज दी जाए
और यदि ये दिया जाए कि उसमें न्यूमेरिकली प्रत्येक टर्म अपने पहले वाले से लेस हो और उसमें nth टर्म लो और वह इनफाइनाइट को टेंड करे, तो वो सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे इस चीज को दिखाते हैं। टेस्ट द सीरीज ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी। यह एक सीरीज दिया गया है, चूंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, प्लस माइनस करके आ रहा है, तो प्लस माइनस में ऑस्किलेटरी भी आ सकता है, तो इसलिए ये दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या ऑस्किलेटरी होगा। तो कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज दी जाए तो उसमें पहला वर्क हम ये देखते हैं कि लेबनीज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यदि वो लेबनीज कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो लेबनीज कंडीशन है क्या कि इसमें न्यूमेरिकली जो भी वैल्यू है वो अपने पहले वाले से लेस हो। तब देखो ये 1/2 का स्क्वायर है तो ये 1/4 हुआ, ये 1/4 वन से लेस है, फिर ये हमारा 1/9 है, ये 1/4 से लेस है, ये हमारा 1/16 हुआ, ये हमारा 1/9 से लेस है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो भी टर्म है वो अपने पहले वाले से क्या है, लेस है। तो ये लेबनीज का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अब इसका nth टर्म लेंगे और देखेंगे कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वह जीरो देता है क्या। तो अब यहाँ से ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन वी चेक द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अब देखिए आपका पहला कंडीशन होता है कि जो भी टर्म है वो अपने पहले वाले से न्यूमेरिकली लेस हो। तब हम देख रहे हैं कि ए वन आपका है 1 और A2 ये आपका है 1/4, A3 यह 1/9, तो ये 1/1 जो है इससे लेस है 1/4, यानी और A1 ग्रेटर देन A2 जो आपका 1/4 है और यह ग्रेटर है 1/9। इस तरह से जो भी टर्म है वो टर्म बाद वाला अपने पहले वाले से लेस है। तो ये दिखा दिया गया कि जो भी टर्म है ये हमारा 1 है, ये 1/4 है, ये 1/9 है, तो प्रत्येक टर्म अपने से पहले वाले से लेस है। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। अब an में हमारा यह -1 अब लिमिट में लिख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द -1 टू द पावर 1 और 1/n² देखो ये पहला टर्म है तो आपका 1 हुआ, दूसरा है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो n का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ये 1 है तो ये हमको माइनस देगा, लेकिन हमको यहाँ n प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब n को 1 रखोगे तो ये 2 प्लस हो गया, अब सेकंड करोगे तो यह 3 तो माइनस हो गया,
तो इस तरह से आ गया। अब जब ये माइनस वन है तो इसमें जो भी वैल्यू, जब यह आठ रहेगा, ये वैल्यू एन आठ रहेगा तो ये इवन होगा, और जब इवन होगा तो हमको प्लस माइनस में ही कोई आएगा, यदि यह वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। और यह वन बाई यन स्क्वायर, तो यहाँ से जब इनफाइनाइट करोगे तो ये वैल्यू जीरो दे देगा, तो प्लस जीरो हो या माइनस जीरो हो, जीरो ही होता है, तो यह वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि ये सीरीज में जो लेवरेज के दो कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है दोनों कंडीशन? कि पहला कंडीशन कि प्रत्येक टर्म न्यूमेरिकली जो अपने पहले वाले से छोटा हो, और दूसरा कि उसका एन एक टर्म ले तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ले तो हमको जीरो दे। जब दोनों कंडीशन हो गया तो लेबनीज थ्योरम से वो क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। तो हेंस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ऐसे इस तरह की जो सीरीज होंगी उन सीरीज को हम लोग सम करके देख सकते हैं, यदि वो लेबनीज टेस्ट को फॉलो करेगा तो फिर वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगला है डिफिनेशन है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि कोई हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज ले और उस अल्टरनेटिंग सीरीज की जो निगेटिव है उसको भी यदि हम पॉजिटिव कंसीडर करें और यदि वो कन्वर्जेंट हो जाए तब उसको हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहेंगे। जैसे हमारा कोई एक सीरीज दिया गया है ये समेशन एन, समेशन एन यानी ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है। और यदि यह समेशन मॉड ऑफ ए एन ले, और मॉड ऑफ ए एन का मतलब कि अब सब हम पॉजिटिव ले लें जो निगेटिव है उसको भी, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो यदि ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाए समेशन ए एन इज इफ समेशन मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन ए एन इज कॉल्ड, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। देखो क्या कहा गया, पहले डिफिनेशन को समझ लें। कहा गया है कि समेशन ए एन ये हमारा अल्टरनेट सीरीज है यानी प्लस माइनस करके आएगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये कब होगा? तो इसके लिए ये सीरीज ले लो मॉड में, तो मॉड का मतलब कि जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव, तो यार यह ए वन माइनस है वो भी प्लस, प्लस है ये भी हमारा प्लस, तो यदि सबको मॉड में ले लें और तब जो ये न्यू सीरीज है वो सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो इस सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहेंगे। केवल कन्वर्जेंट नहीं है, एब्सोल्यूट यानी मॉड में ले लेते हैं तो वैल्यू एब्सोल्यूट हमारा होता है, तो हमारा तब यह सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक सीरीज दिया गया है वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर एंड सो ऑन, यह एक सीरीज दी गई है। तो देखो ये अब अल्टरनेट सीरीज है, ये प्लस माइनस ऐसे आए। अब इसका ये समेशन ए एन जो है ये सॉल्यूशन में समेशन ए एन ये वैल्यू वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर
प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब ये समेशन मॉड ए एन यन, तो ये हमारा वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब ये सीरीज हमारा समेशन वन बाई एन टू दी पावर पी के फॉर्म का है, वेयर वेयर पी इज इक्वल टू टू। देखो ये जो सीरीज आया, अब इसी में इस वन को वन बाई वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी में वन और वन का ए स्क्वायर, फिर यह टू उसका स्क्वायर, थ्री इसका स्क्वायर, ए इस फॉर्म में आ गया। यानी जब एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया, यानी सबको पॉजिटिव ले लिया गया, तब जो सीरीज आया वो इस फॉर्म का हो गया। अब इसमें जो पी की जगह है वो यदि ग्रेटर देन वन हो तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। तो हमारा यह आ गया वेयर पी इज इक्वल टू टू, दैट इज समेशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया। क्यों कन्वर्जेंट हुआ, कि जब इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई तो हमारा समेशन वन बाई एन टू द पावर पी का आया इस फार्म में। अब यह हमारा नेचुरल नंबर है, तो वन को लिखो और पी की वैल्यू यहाँ टू है, तो इसी में एन को वन और पी को टू, तो वन बाई वन का स्क्वायर यानी केवल वन आएगा। समेशन है तो प्लस एन को अब दूसरी वैल्यू टू, तो टू का पी को टू है तो टू का स्क्वायर, अगला एन को थ्री तो पी टू है तो थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन करोगे तो इस फॉर्म में आ गया। तो जो यह पी है वो ग्रेटर देन वन होता है तो कन्वर्जेंट, और लेस आर इक्वल टू वन पर डाइवर्जेंट। तो हमारा ये ग्रेटर है तो इसलिए ये कन्वर्जेंट हो गया। तो जब मॉड में इसको लोगे और वो कन्वर्जेंट हो गया, तब ये जो सीरीज होगा वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो दिस इंप्लाई समेशन ए एन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो आपने कन्वर्जेंट तो जानते रहे हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या हुआ इसको भी आप समझ लीजिए। अब एक डिफिनीशन और है, उसको हम बता रहे हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बता के उसको क्लियर करके तब इसको समाप्त करेंगे। कंडीशनल कन्वर्जेंट या इसी को सेमी कन्वर्जेंट भी कहते हैं। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट कोई सीरीज कब होता है, तो वो सीरीज तो पहले अल्टरनेटिव सीरीज हो, यानी प्लस माइनस दोनों रहे, तभी वो हमारा अल्टरनेटिव सीरीज होगा और तभी वो हमारा कंडीशनली या सेमी कन्वर्जेंट सीरीज होता है। तो इस वर्क को करने के लिए देखो हमको जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन क्या है, उस चीज़ को एक बार समझ लें कि कोई भी सीरीज है सिग्मा ए एन, ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए, यानी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट हो, लेकिन इस सबका मॉड ले लें यानी सबको पॉजिटिव ले लें, तो वो सीरीज यदि डाइवर्जेंट हो जाए, जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी जो सीरीज है अल्टरनेट सीरीज वो कन्वर्जेंट रहे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो यानी निगेटिव को भी पॉजिटिव ले लो, तब वो हमारा यदि डाइवर्जेंट हो जाए, तो जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हमारा सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट कहा जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने एक सीरीज ले लिया समेशन ए एन, समेशन ए एन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये जो हमारा सीरीज है वो सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट भी होगा। क्यों होगा, अब उस चीज़ को देखो, हमको कंडीशनली या सेमी कन्वर्जेंट दिखाने के लिए दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि जो सीरीज हो वो कन्वर्जेंट हो। तो सीरीज कन्वर्जेंट है
क्योंकि लेबनिज के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेबनिज का दोनों कंडीशन क्या है कि प्रत्येक टर्म अपने पहले से न्यूमेरिकली लेस हो, तो 1/2 वन से लेस है, 1/3 1/2 से लेस है, 1/4 1/3 से लेस है। और इसका जब nth टर्म लोगे तो हमारा प्लस या माइनस दोनों में 8 रहेगा तो हमारा प्लस आएगा, इवन रहेगा तो माइनस आएगा। और यहाँ से जो वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1/n न्यूमेरिकली 1/n, तो n को इनफाइनाइट टेंड करोगे तो प्लस 0 या माइनस 0 दोनों वैल्यू सेम ही होता है 0, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सीरीज हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन इसका मॉड में लो और यदि वो डाइवर्जेंट हो जाए तो अभी हमारा कंडीशनली या सेमी कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन में सिग्मा ए एन इज सिग्मा ए एन विल बी सेमी कन्वर्जेंट बिकॉज दो जो कंडीशन है, इसका फर्स्ट समेशन ए एन इज इक्वल टू 1 - 1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट सटिस्फाई बोथ कंडीशंस ऑफ लेबनिज लेबनिज के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है दोनों कंडीशन, कि ये 1/2 इज लेस देन 1, ये 1/3 इज लेस देन 1/2 एंड सो ऑन आगे के भी टर्म्स, और दूसरा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इज इक्वल टू 1/n, और यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हमारा समेशन ए एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो दिस इंप्लाई समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। अब सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए हमको यह दिखाना होगा, जो कंडीशन टू है समेशन मॉड ऑफ ए एन ये क्या हो जाए, इज डाइवर्जेंट। ये हमारा डाइवर्जेंट है, क्यों, अब इसको देखो, समेशन मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 +1/3 +1/4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। जब हम मॉड में ले लेंगे इसी सीरीज को तो सब प्लस में आ जाएगा, और ये हमारा विच इज इन द फॉर्म ऑफ समेशन 1/n^p। ये हमारा समेशन 1/n^p वेयर p इज इक्वल टू 1, और p को जब 1 लोगे तो n को जब 1 तो पहला टर्म, n को 2 तो ये दूसरा टर्म, यानी सब पे n को 1, 2, 3, 4 करते जाओ और p 1, तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तब कन्वर्जेंट, लेकिन लेस आर इक्वल पर डाइवर्जेंट। तो इस वेयर इट इज समेशन इज डाइव तो सीरीज जो अल्टरनेट सीरीज
ये हमारा कन्वर्जेंट हो और एब्सोल्यूट सीरीज जो वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो सीरीज होगा वो हमारा सेमी कंडीशनल सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट ऐसा सीरीज हो गया। इस तरह से इस वर्क के साथ ही आपका जो इनफाइनाइट सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज की जो बेसिक बातें हैं उनको आपको बताया गया, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कैसे करेंगे उस चीज़ को बताया गया। और इस वर्क को एक बार आप टोटल जो वीडियो है इनफाइनाइट सीरीज का एक बार उसको सीरियसली एक के बाद एक जो क्रम से है उसको आप देख लेंगे। फिर इस इनफाइनाइट सीरीज के साथ ही रियल एनालिसिस में हम लोगों ने दो चैप्टर कर लिया, बाउंड जो महत्वपूर्ण चैप्टर था उसको किया जा चुका है। फिर ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये भी हम लोगों ने आज इसको समाप्त किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जाएगा वो आपका सीक्वेंस का जाएगा। सीक्वेंस बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो सिर्फ सीक्वेंस समझने के लिए ही नहीं, सीक्वेंस का यूज आगे भी कई हम लोग जब वर्क करेंगे तो उसमें उसका यूज आता है, आगे मैथमेटिक्स के अन्य ब्रांचों में भी उसका यूज होता है। इसलिए सीक्वेंस क्या है और उसके क्या थ्योरम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सीरियसली समझेंगे।